आज मैं शेयर करने जा रही हूँ पनीर स्टफ कचौड़ी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। एक बार जरूर ट्राई करें, सभी को बहुत पसंद आएंगे। और कमेंट करके बताएं रेसिपी कैसी लगी। इसे बनाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। इसके लिए सबसे पहले हम डो बनाएंगे। मैंने 2 कप मैदा लिया है, ये 250 ग्राम के करीब है। इसमें डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून सूजी, जिसे मैंने 1/2 कप पानी में 10 मिनट भिगोकर रख दिया था। 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल रही हूँ। इसे डालकर सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ऑयल अच्छे से सारे मैदे में मिक्स हो जाए। ऐसा करने से हर एक कचौड़ी अच्छे से फूलेगी और सूजी के कारण हल्की क्रिस्पी बनेगी। आप इसे आटे में भी बना सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट डो बना लेंगे। इसे अब हम कवर करके 10 से 15 मिनट रख देंगे। तब तक स्टफिंग रेडी करेंगे। के लिए 1 कप ग्रेट किया हुआ पनीर लिया है। डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज प्याज, फाइनली चॉप किया हुआ। प्याज से पानी को निचोड़ लिया है। ग्रेट किया हुआ 1-1 टीस्पून अदरक और लहसुन, हरे धनिया की पत्ती चॉप की हुई 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। स्टफिंग रेडी करते ध्यान रखना है कि किसी भी इंग्रेडिएंट में पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो पूरी बेलते वक्त फट जाएगी। अब डो को एक बार फिर हल्का सा मसल लेंगे। और छोटी लोइयां बना लेंगे। लोइयों को हाथों से गोल कर लेंगे और चपटा करके मैदा डस्ट कर लेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों की मदद से एक छोटी कटोरी जैसा बना लेंगे। इसमें अब स्टफिंग भरेंगे और चारों ओर से मैदे को इकट्ठा करके कचौड़ी को बंद कर देंगे। और दबाकर चपटा कर लेंगे। इस तरह सारे कचौड़ी रेडी कर लेंगे। तेल गरम करने रख देंगे। कचौड़ियों को हल्के हाथों से बेलन से बेल लेंगे, ठीक इस तरीके से। ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। ऑयल अच्छे से गरम हो गया है। अब हम इसमें कचौड़ी डालकर फ्राई कर लेंगे। फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और दोनों ओर से लाइट गोल्डन फ्राई कर लेंगे। मेरे बताए गए मेथड से आप बनाएंगे तो हर एक कचौड़ी फूलेगी। गर्मा गर्म कचौड़ियाँ रेडी है। इसे आप दम आलू के साथ सर्व करें और इंजॉय करें। मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।